YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि पता है दर्शकों आपको कि नगर निगम का चुनाव काफ़ी जोर शोर पकड़ लिया है। तमाम भावी प्रत्याशी हो, जो भी हो, लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर अपने पक्ष में मतदाताओं को दिखाने में भी बता दें कि नॉमिनेशन चालू हो गया। पहला दिन किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया और आज पत्र दाखिल जैसा ही किया, हमारे साथ हैं, पत्र दाखिल करके पहुँची हैं सिटी न्यूज कार्यालय। नाम है इनका बीना देवी और ये वार्ड नंबर 19 जो कानूमहला क्षेत्र में पड़ता है उसके भावी प्रत्याशी हैं। इनके पति हैं श्याम जी, जो काफ़ी चर्चित व्यक्ति उस क्षेत्र में से आते हैं कांदू मोहल्ला में, और उनकी पत्नी बीना देवी इस बार वहां से प्रत्याशी हैं। वहां वर्तमान वार्ड पार्षद रही हैं शिव देवी, जो उस क्षेत्र में, लेकिन उसी के साथ ये क्षेत्र चूँकि नगर निगम बनने के बाद इस क्षेत्र में कुछ भाग रेणमा दक्षिणी चला गया था, जो कल यहाँ पर हमारे साथ बैठी थी सुषमा आहूजा और वो भी बोली कि मैं डंके के चोट पर चुनाव जीतूंगी, जरूरत पड़ी तो। जैसे जिसने उन्होंने कहा, उनके पति पर जब आरोप लगाया गया कि वो लोगों से आप मारपीट करते हैं, तो उन्होंने साफ साफ पत्नी ने भी समर्थन के साथ कहा कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। और इसके साथ ही शिव देवी ने पिछले बार जब हम लोगों ने जब बात की तो शिव देवी ने कहा कि विकास की वो लंबी रेखा खींची है। अब बात करते हैं, चूँकि वे नए हैं वहाँ से प्रत्याशी, तो कितना विकास हुआ है उस वार्ड में और कितना विकास हुआ उस क्षेत्र में, ये बताएंगी हमारे साथ बीना जी। सबसे पहले बीना जी आपका स्वागत है। एक बात बताइए, चुनाव का पहले बताइए, चुनाव का मैदान में क्यों आए? देखिए, जनता तो बहुत कमियाँ दम हुई है, हम अपने गरीब बहुत गरीब है। हमारा कहना है कि मैंने जितना गरीब आदमी है उस सबके हम सेवा करें, सब मैंने सबको लाभ दें। अगर जो जनता हमको एक मौका देगी देंगे सबको। बात आपका सही है कि पूरे आपके सबसे जो वार्ड है उसमें सबसे गरीब मतलब क्षेत्र है आपके वार्ड आता है। तो वो सबको हम मैंने अगर जीतते हैं तो जनता हमको जिताती है, आगे बढ़ाते हैं, तो उनके लिए उनकी सेवा करना। पति आपके रहे हैं श्याम जी, पति लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, तो उसका कितना लाभ आपको मिलता है? उनको तो देखिए, सब तो ऐसे जनता को सेवा तो करवे करते हैं, उसका लाभ कितना मिलेगा? बहुत मिलता है, मिलता है। एकदम लाभ मिलता है, मिलता है। मतलब लोग बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम जैसे एक तरफ सुषमा आहूजा भी वहाँ की मुखिया रही हैं रेणमा दक्षिणी में, जो कल अभी यहाँ दावा करके गई हैं कि डंके के चोट पर मैं चुनाव जीतूंगी, अगर शिव देवी की बात करें तो कहते हैं विकास की लंबी रेखा खींची है, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हमको देखने में कुछ नहीं विकास हुआ है, क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है एकदम से। सब कोई मैंने मान लीजिए कि कोई इंद्रावास मिलता है तो देखिए कि घूस मैंने घूस ले ले करके मैंने इंद्रावास कुछ मिला है कुछ नहीं मिला है। शौचालय के भी नहीं मिला है कितने लोगों को। साफ सफाई की बात करें तो कुछ नहीं, वो सब मैंने जैसे कि वो तो कभी भी गए नहीं किए हैं, साफ सफाई भी नहीं देखी है अपने जायजा करके, कहीं भी वो मेरा अथी में भी नहीं होता है साफ सफाई, अपना खाली दरवाजा पर साफ करती हूँ। बहुत बड़ी बात है, वार्ड पार्षद सिर्फ अपने दरवाजे पर ही साफ करवाती है, मोहल्ले में नहीं करवाती है। लोगों की साफ सफाई की कमी के साथ साथ बीना देवी ने ये बातें साफ ने रखा है कि जितने भी आवास निर्माण का कार्य हुआ है कांदू मोहल्ला में वार्ड नंबर 19 में, उसमें सभी में पैसे लिए गए। साथ ही इनका दावा है कि शौचालय का भी लाभ लोगों को नहीं मिला, ना आवास का लाभ लोगों को मिला। यानी और क्या क्या समस्या आपको लगा वहाँ पर? वहाँ तो बहुत जैसे पानी उनी सब कहते हैं, देखिए कि हमारे जैसे कि मोहल्ला में है जितना महिलाएं हैं, कुछ को कोई कोई पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, कोई दूर से ही आते हैं। कुछ नहीं कभी नहीं जाती हैं, कभी पूछने भी नहीं जाती हैं। अच्छा, अधिकतर बीना जी, अधिकतर वार्ड पार्षद जितने भी महिलाएं हैं, जो हम लोगों ने देखा है कि वो अपने पति का पति के बताए मार्गों पर चलने के साथ सब काम करती है, आप कितना पति का सहारा लीजिएगा? हम तो नहीं लेंगे, अगर जब हम जीत जाते हैं तो खुद हम अपना अथी पर करेंगे, खुद हम अपना गली गली जा करके देखेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे सभी लोग लगभग वार्ड पार्षद यही है कि अपने पति के भरोसे चलते हैं? नहीं, वो तो नहीं ना, हम जीतेंगे तो हम ही ना काम करेंगे।
आप नहीं पति का साथ नहीं, कैसे मैंने जगह जगह पर लेंगे, जगह जगह पर नहीं लेंगे, खुद को हम जाएंगे अपने आप को, मतलब अभी के वर्तमान वार्ड पार्षद पर करें तो कितना लोगों तक घूमते रहती हैं, कितना हम जो वर्तमान में अभी हैं वहाँ पर की रही हैं, अगर हम शिव देवी की बात करें तो कितना लोगों तक पहुँची, मतलब अपने अपने से जाके समस्या देखना या लोगों से मिलना जुलना कितना की? उतना तो हमको नहीं लगता है कि वो सबसे मिलती जुलती है। उनका काम कौन करते हैं? जो उनका हस्बैंड है वही करते हैं। यानी पत्नी के रहते पति संभालते हैं कमान, और वार्ड की समस्या सुनना के सुनने की बात तो दूर, लोगों की सुख दुख का हम सफर भी नहीं बनते हैं, यही कहना है बीना जी का। बीना जी ये बात बताइए, आपसे एक प्रश्न और है कि जब वार्ड मतलब वहाँ की जनता में आप घूम रहे हैं तो लोग आपसे क्या शिकायत करते हैं? ऐसे तो बहुत सब कहते हैं, बाकी आपका कहाँ जाए, शिकायत क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? सब कहते हैं कि दीदी देखिए पानी के एकदम बहुत दिक्कत है, कभी कभी मेरे अथी में नहीं होता है, जैसे कि नाली भी है बहुत गंदगी मेरे दरवाजा पर है, जो और कुछ कुछ कहते हैं। तो आप क्या आश्वासन देती हैं? हम कहते हैं कि एक बार वोट देख दीजिए, हमको जिताइए, निकालिए, हमको तो देखिए, हमको जो हम सोचे हैं हम करके दिखाएंगे। चलिए, लोगों की शिकायतें हैं कि पानी नली गली सी सफाई नहीं होती है, और इनका कहना ये अपने आप को उनके सामने रख रहे हैं कि अगर इन्हें मौका मिलेगा तो ये लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे, साथ ही साथ नली गली तमाम चीज़ों की साफ सफाई भी कराएंगी। आप बताइए कि जनता से क्या आप अपील करते हैं? आपको जनता देख रही है, बताइए आपके वार्ड के लोग देख रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे, एक बार हमको मौका दें। मौका दें, आप उनके विश्वास पर खड़ा उतरिए। देखिए अगर जो जनता हमको देंगे तो जरूर हम उनको खड़ा उतरेंगे, उनके विश्वास पर खड़ा होंगे। चलिए, उनके विश्वास पर खड़ा उतरेंगी, यही अपील है कि एक बार मौका दें बीना देवी को, ताकि ये जनता के विश्वास पर अपने आप को खड़ा उतरने की बातें कर रही है। दर्शकों, जनता हैं आप, वोट देना आपका काम है, चुनना आपको है, क्योंकि समस्या तो आप ही का है और आप ही के पास समाधान के लिए आप ही जाएंगे वार्ड पार्षद पर। तो ऐसे शख्स को जरूर चुनिए जो आपके सुख दुख का हम सफर हो, आपके आपकी भावनाओं को कद्र करे, सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाए, आपका जो कार्य हो वार्ड पार्षद लेवल पर वो काम करे, और आपके हर जो है कार्यों पर खड़ा उतरे, और जो चुनाव के समय वादा करे उसे निभाने का प्रयास करे, क्योंकि चुनाव में मतदाता ही प्रतिनिधि यानी वार्ड प्रतिनिधि के लिए या जिस भी जो भी जनप्रतिनिधि के लिए भगवान होते हैं। ऐसे में जन वोट देना आपका कर्तव्य है, मत का प्रयोग तो जरूर करें, अपने मत का प्रयोग करें, साथ ही साथ सोच समझ कर मत दे, ताकि ये 5 साल में आप कहीं 5 साल के बाद फिर आपको पछतावा ना हो, इसलिए ज़रूरत है एक अच्छे उम्मीदवार को वोट देने की। और चलिए, हम तो चाहेंगे कि आप जनता के विश्वास पर खड़ा उतरे, अगर जनता, हम लोग भी करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि जनता आपको आपकी जो भावनाओं को कद्र करेगी, और आपको जनता देखते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता कितना आपकी भावनाओं को कद्र करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।